नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद यादव, आपका स्वागत करता हूँ रेवी माता की एक और एपिसोड में। और आज हम लोग चेक करने वाले हैं बिस्लरी कंपनी की तरफ से वेदिका नेचुरल माउंटेन वाटर। हम लोग चेक करेंगे इसका टेस्ट कैसा है और इसके अंदर क्या स्पेशल है जो नॉर्मल मिनरल वाटर के अंदर नहीं होता है। देखेंगे इसका TDS कितना है, pH कैसा है, टेस्ट कैसा है और कॉस्ट कितने हैं। अभी यार ये क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है यार ये? जानने के लिए वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बॉटल की तरफ देखते हुए। बॉटल काफी डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। और मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से PET बॉटल जो बोलते हैं हम लोग, फूड ग्रेड बॉटल, वैसी बॉटल लग रही है, नॉर्मल बॉटल नहीं है, काफ़ी इम्प्रूवड है। इसकी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये 1 लीटर की बॉटल है 60 रुपीज़ की, ये पूरी 1 लीटर की है और इसके ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल माउंटेन वाटर फ्रॉम द हिमालयाज। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रीमियम वाटर बॉटल्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे हिमालय हो गया और भी बहुत सारे हैं, एवियन हो गया, नेचुरल स्प्रिंग वाटर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो उनको कॉम्पीट करने के लिए बिस्लरी ने भी ये स्टेप लिया हुआ है, जो काफी जरूरी है बिकॉज हमें किसी भी मार्केट से पीछे छूटना नहीं चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इसमें खास क्या है, इसके अंदर जो है मिनरल्स ज्यादा, यानी कि मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह सब कुछ है। तो कहाँ से आते हैं? इसका मतलब है जो आप नॉर्मल पानी पीते हैं वो RO प्रोसेस होता है, ये जो पानी है ये मेरे ख्याल से UV ट्रीटेड होगा। इसका जो pH इन्होंने कहा गया है 7.3 to 7.9, जो नेचुरल अल्कलाइन के अंदर आता है, बेसिकली 7 के ऊपर जो भी रहता है वो बेसिकली अल्कलाइन होता है। हमारे में तेरे बाप को मत दिखा, चल। तो आइए शुरू करते हैं, इसको हम लोग खोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। स्लाइटली जो है पानी, जो हम लोग जनरल पानी पीते हैं उसमें कैसा फ्लैट रहता है, मिनरल वाटर होते हैं पूरी तरह से फ्लैट, टेस्टलेस होते हैं। ये थोड़ा सा स्वीट इसमें टेस्ट है और एक आफ्टर टेस्ट जो होता है पानी पीने के बाद में जो है वो इसमें हमें फील हो रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका हम लोग TDS चेक करते हैं। ये भर दिया, आपको क्या लगता है कितना TDS हो सकता है? क्या इसमें मैंशनड है TDS कहीं पे? जी नहीं, इसका TDS मेंशन नहीं है। मुझे लगता है अराउंड 200-250 के आसपास होना चाहिए। तो मेरे पास ये TDS मीटर है, देखते हैं इसका TDS कितना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओके, हम लोग लगभग नज़दीक ही थे, ये 171-172 के आसपास है। तो ये एक आइडियल TDS हम लोग कह सकते हैं कंज्यूम करने के लिए, काफ़ी अच्छा है। हम लोग जनरली जो है 250-300 TDS तक का पानी भी पी सकते हैं अगर वो हार्ड वाटर ना हो। तो ये पानी जो है 150 TDS का परफेक्ट है, 171 TDS जो इन्होंने दिखाया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो थोड़ा सा पानी हम लोग कम कर लेते हैं, इसमें हम लोग चेक करेंगे इसका अभी pH कितना है। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए मेरे पास में ये pH लिक्विड है, ये है जनरली हमारे पानी का pH बताता है। तो अगर अल्कलाइन होगा तो इसका कलर जो है पर्पल की तरफ जाएगा, यानी कि ग्रीनिश या फिर थोड़ा सा पर्पलिश होगा तो ये अल्कलाइन है। अगर रेडिश या फिर येलोइश होगा तो वो एसिडिक है। तो चलिए इसका डाल के देखते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये ग्रीनिश कलर है, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो ये कलर जो है ये सिग्निफाई करता है डार्क ग्रीन कलर, जो है अराउंड 7.5 to 8 pH के बीच में का। तो बिल्कुल परफेक्ट जो pH जो कह सकते हैं वो है, अगर कोई नॉर्मल मिनरल वाटर जो हम लोग खरीदते हैं 10-20 रुपए की, तो उसका कलर जो है वो येलोइश हो जाता था, जो एसिडिक होता है थोड़ा सा नेचर में। तो ये एक अच्छी बात है कि ये अल्कलाइन वाटर है। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये प्राइस जो है ये जस्टिफाइबल लगती है क्या नहीं। अगर आप सोच रहे कुछ इस प्रकार तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।